focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. हमारे होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोग, जो दो तरह के प्रोडक्ट कैटेगरी में हम डील करते हैं, एक फार्मा बेस्ड प्रोडक्ट और एक कॉस्मेटिक्स। फार्मा बेस्ड प्रोडक्ट्स के अंदर लगभग हम लोग सारी रेंज होम्योपैथी की हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे डाइल्यूशंस, मदर टिंचर्स, बायोकेमिक रेमेडीज़ और स्पेशलिटीज़, जो एक आम पेशेंट के लिए ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स ज़रूरत पड़ते हैं ऑन डेली रिक्वायरमेंट। रिसेंटली हम लोगों ने इस इवेंट के अंदर अपने कॉस्मेटिक रेंज को, जो होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट्स के बेसिस के ऊपर बनाया गया है, उसको लॉन्च किया है एंड वी जस्ट प्रोडक्ट्स हमारे जो कॉस्मेटिक्स हैं उनकी क्या ये कम्प्लीटली नेचुरल है। इनके अंदर बेसिकली हम लोगों ने जो होम्योपैथिक दवाएँ हैं पिछले 300 साल से जो यूज़ होती आ रही हैं, उन दवाओं के मिश्रण से कॉस्मेटिक्स को बनाया है, जो कम्प्लीटली सेफ है, किसी के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और इसके अंदर हम लोगों ने पैराबेन फ्री बनाया है, SLS फ्री बनाया है, ताकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना रहे पेशेंट, और बिल्कुल सेफ एंड इफेक्टिव है। ये सर इंडिया में प्रोडक्ट इंडिया में बने ये सब इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं, बट हमारा प्लांट यूरोपियन रिक्वायरमेंट्स और अमेरिकन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस के ऊपर अप्रूव्ड है, तो हम लोग इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों के लिए प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएंगे। सर जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं जैसे कि पतंजलि ने भी बहुत सारे जी, क्या लगता है आपको कितनी बड़ी टक्कर है आपकी उनसे और मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है? हमारी किसी से टक्कर नहीं है, सारी कंपनियाँ एक अच्छा काम कर रही हैं अपने अपने फील्ड के अंदर। जैसे कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, उसी तरह से होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स के अपने बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हम लोग केवल होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करके दवा कॉस्मेटिक्स को लॉन्च कर रहे हैं, तो ये अपने आप के अंदर अपनी एक स्पेशलिटी है जिसको हम लोग मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं। रोल आपका नाम बताइए। डॉक्टर गीता अरोड़ा जी, और मैं बीजन में टेक्निकल हेड हूँ, और बीजन ने अभी यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, और हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की खास बात क्या है कि ये पैराबेन फ्री और SLS फ्री है, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई कॉस्मेटिक्स कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में यूज़ करता है, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो सोप हो, चाहे वो हेयर ऑयल हो, और हर कोई चाहता है कि ऑलरेडी हम लोग इस तरह से खाना खा रहे हैं जो इतना ज़्यादा डॉक्टर्स के साथ है, तो सेफ़ चीज़ें यूज़ करें। तो ये कॉस्मेटिक्स में जिसमें ना पैराबेन है ना SLS है, उसके सिवाय इसके अंदर कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी कॉस्मेटिक्स को और कॉस्मेटिक्स से बिल्कुल अलग बनाते हैं। मैम ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि होम्योपैथी साथ में मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि होम्योपैथी इंग्रेडिएंट्स में कुछ बहुत सारी ऐसी खूबसूरत दवाइयाँ हैं जो स्किन और हेयर प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी हैं, सो हमने उनके जो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कॉस्मेटिक्स में डाल के, और ये जितने भी कॉस्मेटिक्स हमने लॉन्च करे इन सब पे स्टेबिलिटी रन जा चुका है, और ये जनवरी से मार्केट में अवेलेबल भी होंगे। तो जो लोग नेचुरल चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं और केमिकल फ्री चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए दीज प्रोडक्ट्स विल बी वेरी वेरी। क्या इनका साइड इफेक्ट भी हो सकता है? इनका साइड इफेक्ट भी हो सकता है? होम्योपैथिक मेडिसिन का वैसे भी देखा जाता है, जब आप किसी डॉक्टर की सलाह के ऊपर होम्योपैथिक दवा लेते हो, उसको दो टीसी से नहीं लेते हो, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और हमने जितने भी केमिकल्स के जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं वो सब उन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करे हैं जो ट्राइड हैं, टेस्टेड हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पे ऑलरेडी पब्लिश पेपर्स हैं कि उनका उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट है, सो साइड इफेक्ट्स का कोई ऐसा इसमें कोई सवाल ही नहीं है।
ठीक है।